डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मैथ्स एकेडमी। आज क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो ये चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, इसकी कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट क्लासेस में नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, या नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल नंबर और नॉन रेशनल नंबर, जिसको इरेशनल नंबर भी कहते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमें रिप्रेजेंट करना होगा, रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3, ये दो चीजें हैं, एक है हमारा पॉजिटिव और एक है हमारा नेगेटिव, और उसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमें समझना, इस चैप्टर के थ्रू समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो होता है ये बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया तो आप इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है उसको इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो नाउ अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन आता है तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये आप देखो कि ये हमारा एक नंबर लाइन हो गया, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो बीच का मिड पॉइंट है उसको हमने ओ ले लिया, ओ मतलब क्या हो गया, जीरो। नाउ अब हम क्या करेंगे कि जैसे इधर हमारा पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, तो इसको हमने नाम ले लिया P और इसका हमने नाम ले लिया Q। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, इट मीन्स एक जो पार्ट है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। नाउ मतलब अगर हम ऐसे 1 और 2, तो ये 3, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसका नाम दे देते हैं A और B। इसी तरह सिमिलरली हम इधर भी करते हैं, इधर भी हम नाम कर देते हैं C और D। तो ये जो इस टाइप भी हुआ, इसे भी देखो आप 1, 2, 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और इधर भी हमारा 1, 2, 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, तो सबसे पहले ये हम साथ के साथ राइट डाउन करेंगे कि यहाँ पे OP को हमने डिवाइड किया है 3 इक्वल पार्ट्स में, देयरफॉर OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BP। ये चीज हुआ हमारा OP, जो पूरा है ये पूरा हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि OA जो हुआ ये P का क्या हुआ, 1/3 हुआ। OA इसका मतलब दैट इज OA इज 1/3 ऑफ OP, ये क्लियर हो रहा होगा। तो 1/3 ऑफ ओपी मतलब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 1/3, 5/3, ये चीज हो गया। अगेन सिमिलरली अगर इधर करते हैं हम ये -5, तो ये क्या हो जाएगा, -5/3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -5/3 को, और ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5/3 को। तो इस तरफ से क्वेश्चन हम लोग इसमें बना सकते हैं, और नंबर लाइन में जो भी हमें रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की वो कर सकते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारा कि इसमें हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 8/5। यहाँ हम लिखेंगे कि रिप्रेजेंट 8/5 एंड -8/5 ऑन द नंबर लाइन। ये सेम क्वेश्चन है, या आप देख लो कि नंबर लाइन पे हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो देयरफॉर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसका जो ये बीच का पॉइंट है उसको हम क्या कर देंगे, 0, O-0, और ये आप नीचे देखो कि इसका डिनोमिनेटर 5 है, इट मीन्स मान लो कि यहाँ पे अगर हम 2 पॉइंट्स देते हैं, इट इज पी एंड इट इज क्यू, तो पी को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि नीचे 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। अब हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। सिमिलरली इधर भी हमारा माइनस में है, जो उसको भी हम क्या करेंगे, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और ये 5 है ही, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। तो अब जो हमारा ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नाउ हमसे रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो वही सेम चीज हम लिखेंगे कि हियर क्या है, OA इज इक्वल टू AB, ये OA इज इक्वल टू AB, इज इक्वल टू BC, इज इक्वल टू CD एंड इज इक्वल टू DP। देयरफॉर OP, पूरा ये जो OP हुआ, OP ये पूरा लाइन को, ये OA क्या हो गया उसका,
उसका 1/5 पार्ट हुआ, तो हम लिखेंगे यहां पे ओ ए इज 1/5 ऑफ ओपी, ओपी का 1/5 है, देयरफॉर हमारा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन है 8/5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8/5, ये चीज हमारा हो गया 8/5। अगेन सिमिलर, ये हमारा 5 है, तो हमारे यहाँ पे ये जो हुआ ये, सॉरी यहाँ पे ये 8 है और ये -8 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -8/5। ये क्लियर हो रहा होगा इजिली कि कैसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आएंगे तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक टाइप और क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है कि क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6, ये दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे यह -2, इसको हम एक्स मान लेते हैं और 6 को हम वाई मान लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा एक्स प्लस वाई, दोनों जो हमारे नंबर है उसको डिवाइड करना होगा 2 से। अब जो भी टर्म आ जाए, जैसे यहाँ पे हमारा कितना आएगा आप यहाँ, तो उसके बाद हमारा जो भी आएगा ये हम आगे करेंगे, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर पहला क्या है x है, तो वो जो नंबर आएगा वो x से क्या होगा बड़ा, x प्लस y बाई 2, और उससे बड़ा हो जाएगा हमारा y जो सेकेंड टर्म है। ये ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे हमारे दो नंबर थे, हमारे दो नंबर क्या थे -2 प्लस 6/2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 4/2, तो कट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा x, x क्या था -2, तो -2 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 6, ये हमारा रेशनल नंबर फाइंड हो गया। इसी तरह अगर आपका इरेशनल नंबर में भी आता है या आपके पी बाई क्यू वाले फॉर्म में भी आता है, तो आप इजिली फाइंड कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन है, उसे भी हम देख लेंगे क्या क्वेश्चन है वो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। अब जैसा मैंने आपको बताया कि -2/3 को हम क्या मान लेंगे x, और 1/4 को मान लेंगे हम y, और इनके बीच का हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमने क्या कहा भी कि x प्लस y डिवाइडिंग 2, ये चीज हमें करना है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन x प्लस y बाई 2 इज ग्रेटर देन y, ये चीज हमारा हो गया। तो अब हम इसको देखो, ये x is less than x plus y by 2 and x plus y by 2 is less than y, ये जो हो रहा है हमारा, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि पहले हम करेंगे -2/3 प्लस 1/4, और इसको हम करेंगे डिवाइड 2 से, तो -2/3 प्लस 1/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है -5/12, ये हम इसमें एलसीएम लेके करेंगे तो, और डिवाइडिंग 2, इट में समय से लिख सकते हैं -5/12 डिवाइडिंग 1/2, ये लिख सकते हैं, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा -5/24। तो अब हम इजीली लिख सकते हैं, क्या हमसे आंसर पूछा गया कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, तो हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट इज -2/3 इज लेस देन, क्या आया -5/24 इज लेस देन हमारा कितना है y 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे रेशनल नंबर फाइंड करने के, आप इसी पैटर्न से सॉल्व कीजिएगा, आपको इजी होगा। हमारा जो ये नंबर सिस्टम का पहला एक्सरसाइज है 1.1, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप इसमें नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन और रेशनल नंबर, जो दो कोई भी इंटीजर गिवन होगा और उसके बीच का रेशनल नंबर अगर पूछा जा रहा है, तो वो आप इजिली फाइंड कर सकते हो। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो हमारा एक्सरसाइज है इसमें का 1.1, उसको कंटिन्यू करेंगे। बट इससे कोई भी रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी होती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।